गुड मॉर्निंग जी। तो आज एक और DIY के लिए बात करते हैं, और आज हमारा आइडिया है इसका स्पार्क प्लग निकाल के साफ करके गैप एडजस्ट करके वापस डालने का। अब कंपनी कहती है कि आप 10,000 किलोमीटर पे शायद चेंज करें, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन होती है। मगर मैंने V2 में भी देखा है, इसमें भी मतलब देख ही रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 20-30 हज़ार तक अगर आप प्रॉपरली गैप वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, तो चल जाता है। 30-1 हज़ार रुपये आपको रिप्लेस कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं मतलब ये करता हूँ, बाकी आप जैसा पसंद करें। अब सबसे पहले स्पार्क प्लग तक पहुँचने के लिए हमें ये क्लैडिंग निकालनी पड़ेगी मीटर के राइट साइड में जो है, फिर उसके बाद में ये वाला फेयरिंग निकलेगा। बस इन दोनों चीज़ों में काम आसान हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले ये 4 नंबर की एलन की लगेगी, इसको खोलते हैं। ये आ गया बाहर, और अब अगला जो काम होगा उसके लिए ये एक बहुत ही छोटा स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास। इससे ये जो रिवेट्स दिए हुए हैं, देखिए, 1, 2, 3, 4, और एक, अब मैं हैंडल सीधा करता हूँ, टॉर्च गिर गए, कोई नहीं। तो ये देखिए, ये 5, तो ये 5 हमें रिवेट्स खोलने हैं। चलिए सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। इनको निकालने के बहुत तरीके हैं, बट सबसे पहले इनको प्यार प्यार से खोल के देखिए, अगर ये ठीक कंडीशन में होंगे तो ये ऊपर आ जाने चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है। ये प्रॉपर तरीका होता है, लॉन्ग लाइफ रहती है, वाइब्रेशंस वगैरह फिर नहीं आती जब लंबा चलेगा। इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा अनस्क्रू करते हैं। हाँ, ये भी जैसे आप देख रहे हैं, छोटे स्क्रू ड्राइवर से, बड़े स्क्रू ड्राइवर से नहीं हो पाएगा। अब ये तीसरे वाले पे आते हैं, ये वाला शायद जवाब दे चुका है। चलिए हो जाएगा ये भी। अब चौथा देखते हैं, ये भी थोड़ा बाहर आ गया। हाँ सही है। और अब आखिरी बच गया 5वां, जो है ये इधर। इसके लिए मेरे को दोनों हाथ चाहिए होंगे, तो चलिए मैं किसको भी लूज करता हूँ। ओके, ये वाला बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए ये छोटा सा, बहुत ही छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर जो मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह के लिए आता है, इसको लेके यहाँ से डाल के, ये ख़राब हो चुका है मतलब, तो कोई नहीं, अब हो चुका है तो क्या कर सकते हैं। बट बेसिकली ये आइडिया होता है, ये ऐसे बाहर आ जाएगा। ये एक बाहर आ गया, ये वाला हमने लूज़ कर लिया था, इसको भी थोड़ा सा बाहर खींच लीजिए। रीयूजबिलिटी रहती है, लंबे चल जाएंगे अगर इसको अनस्क्रू करके निकालेंगे। आप सीधा, जैसे इस वाले में मैंने सीधा स्क्रू ड्राइवर से खींच दिया था, तो इसके वो ग्रूव्स थोड़े से ख़राब हो चुके होंगे, बट चलिए कोई बात नहीं। ये वाला भी बाहर आ गया, और ये भी। चलिए मैं ये सारे निकाल लेता हूँ, समझ ही गए, कोई टेंशन नहीं है। अगर हल्का सटक जाए तो ऐसे खींच के इनको निकाल लेता हूँ मैं। तो रिवेट्स चारों बाहर आ गए हैं, अब हमें बस एक क्लैडिंग निकालनी है। सॉरी, 5 रिवेट्स बाहर आ गए। इसको निकालने से पहले बाकी सारे आपको लूज करने पड़ेंगे, वरना दिक्कत होगी। तो चलिए वन बाय वन ये साइड वाले फेयरिंग के सारे लूज करते हैं। मैं भी भूल जाता हूँ, लास्ट टाइम मैंने, मेरे ख्याल से जब बाइक 2-3 हज़ार थी तब करी थी। तो ऊपर वाला एक स्क्रू खोल लिया जो साइड में होता है एलन की, सॉरी, ये भी 4 नंबर की है। फिर ये एक इधर होगी, ये भी 4 नंबर की है। फिर ये नीचे हैं, एक इधर और ये एक इधर, ये जाएंगे। ठीक है, तो ये चारों एलन की भी निकल गई हैं, ऊपर के भी रिवेट ये इधर रख लिए हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं एलन की उधर रख ली हैं। अब चले जाते हैं थोड़ा अंदर की तरफ। हाँ, थोड़ा सा भी काम और बचा है, अब वो आपका आ जाता है। अगर आप देखें तो एक ये स्क्रू खुलेगा, फिर उसके ऊपर एक ये स्क्रू इधर है, और फिर और एक ये रिवेट ऊपर है। ये रिवेट मेरा पुराने वाला खो गया था, तो मैंने ये V2 का लगाया हुआ है, थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो चलिए अब ये खोल लेते हैं। और फाइनली रह जाता है आपका ये वाला रिवेट,
देख पा रहे होंगे आप अभी, ये तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो ये होता था आपका जो रिवेट V2 में डलता था, सिंपल वाला, अंदर डाल के ऐसे दबा दो तो ये खुल के फिट हो जाता था। और ये आपके नए आए हैं, ये V3 में जो स्क्रू करके डालने पड़ते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक ये हुक जो है रबड़ माउंट पे जाता है, इसको कुछ नहीं करना, फेयरिंग को ऐसे नीचे से पकड़ के थोड़ा सा प्यार से बाहर ले आइए और ये आपकी फेयरिंग निकलने को तैयार। ऊपर से जगह भी बन गई है, ये इधर से भी गैप है। इसको पूरा खोलने की, इस क्लैडिंग को खोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर अब सबसे पहले हम ये मीटर के साथ वाली क्लैडिंग निकालेंगे। मीटर की क्लैडिंग निकालने के लिए अब हमारे पास एक्चुअली में जगह बन गई है। यहाँ से इसको थोड़ा सा उठा के और ये अब हम बाहर खींच के हैंडल घुमा के इसको निकाल के बाहर, और बस अब ये फ्री हो जाएगा। तो ये जो साइड की मीटर की क्लैडिंग होती है ये निकल गई है। अब नेक्स्ट बचता है हमारा फाइनल, बस फेयरिंग बाहर निकालना। और फेयरिंग निकालने के लिए याद रखिएगा, यहाँ पे अंदर की साइड में ब्रैकेट दी हुई है ऐसे एंगल में, तो यानी इसको आगे की तरफ स्लाइड करना है। पीछे से हमने ये निकाल ही लिया है, बहुत सिंपल होगा। इसको बस आगे से खींचा और आपकी क्लैडिंग अब बाहर है। अभी बाकी जो बच गए आपको बस वायर जो है इंडिकेटर का, ये अनमाउंट करना होगा। अब इसको अनमाउंट करने के लिए भी इन्होंने चीज़ कुछ ज़्यादा आसान नहीं बनाई है। यहाँ पे एक जिप टाई आप देख रहे होंगे, जिप टाई में से केबल निकलती है। जिप टाई को खोलने की कोशिश के लिए घुटनों से मैंने फेयरिंग को पकड़ लिया है। अब बस इसके बीच में ये गैप बनाना है और ये आपका खुल गया, जिप टाई खुल गई है। बस अब इन वायर्स को अनप्लग कर लेते हैं और ये आपकी क्लैडिंग पूरी बाहर आ गई है और बाइक का स्पार्क प्लग खुलने के लिए तैयार है। ये रही जी क्लैडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका, हाँ जी, तो बाइक पे वापस, और ये है आपका स्पार्क प्लग जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखें, एक स्क्रू ड्राइवर ले लें ऐसे, नीचे कैप पे दबा के इस पे थोड़ी सी सपोर्ट लेके इसको ऊपर की तरफ प्रेस करें, ये ऐसे इस साइड से सपोर्ट लेके ये आपका बाहर आ गया। अगर आप खींचेंगे तो ये वायर आपकी निकल जाएगी और फिर वो मतलब चीज़ सही नहीं है। और ये है आपका स्पार्क प्लग पैनल 17 नंबर का, पल्सर वगैरह में भी लगता है 17 नंबर की है, आप ऐसे मैच करके देख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे आप स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको ये तो नहीं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा भाई, ये इस साइड घुमाना पड़ेगा। अब आप इसको ऐसे स्क्रू ड्राइवर से घुमा रहे हैं अगर, तो आपको ये 2-3 बार ऐसे ऐसे करके एंगल लाना पड़ेगा कि फिर इधर से डाल के फिर इसको थोड़ा घुमाएं। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मेरे पास ये एक टूल का, ये मैंने मतलब जुगाड़ से ही बनाया हुआ है, ये बेंडिंग वाली आम है जैसी आती है, और ये जो इसकी मोटे वाली साइड है इस साइड पे डलता है 24 नंबर का पाना, तो इसको मैं ऐसे डाल के थोड़ा मतलब इससे आसान हो जाता। ये बेटर है। देखते हैं शबरी लूज हो गया, हाथ से खुल जाए। हाँ अब थोड़ा ये फ्री हो गया और अभी हाथ से ही हम घुमा घुमा के इसको, इसकी बहुत लंबी चूड़ी होती है तो काफ़ी टर्न्स लगेंगे। चलिए कोई नहीं, निकालते हैं। और ये आपका स्पार्क प्लग आ गया बाहर। अब
दिखने में ऑलमोस्ट साफ सा ही लग रहा है। सही है, थोड़ा गैप बढ़ा हुआ लग रहा है, मगर गैप कैसे एडजस्ट करते हैं? अगर आपको इस टाइम पे चेंज करना है तो आप नया स्पार्क प्लग अंदर डालिए और बड़े प्यार से, ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना होता, हल्का सा बस हाथ से जितना टाइट हो जाएगी। हाँ भैया ठीक है, मैं वैसे करते बताऊँगा, मगर इसका गैप कैसे एडजस्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं। ब्लेड से थोड़ा सा करके कि हाँ, थोड़ा जो हल्का फुल्का इसमें एग्जॉस्ट गैसेस का एक्यूमुलेशन हुआ हुआ है, बिल्कुल चमकाने की ऐसी एस सच खास कुछ ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मेटल सा दिखने लग जाए हल्का सा तो सही रहेगा। बाकी लाइफ अभी बहुत बची है। ये जो आपको ये अंदर की दिख रही है, ये एक तो ये एंगल है इसके नीचे का जो इलेक्ट्रोड यहाँ से आता हुआ दिख रहा है, इसमें भी बहुत लाइफ बची है, तो अभी इसको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गैप बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने अब थोड़ा सा साफ सा कर लिया, जैसा आप देख रहे होंगे बिल्कुल चमकाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा क्लीन सा हो जाए। अब नेक्स्ट आ जाता है एडजस्ट करने का गैप। इस टाइम पे आप चेंज भी करना चाहिए, जैसे मैं कह रहा था एडजस्ट करने के लिए कंपनी का जो आपको यूज़र मैनुअल मिलता है उसमें आपको दिखेगा कि 8 से 9 mm के बीच में होना चाहिए। तो ये मेजरिंग स्ट्रिप्स आती हैं, मेजरिंग स्केल्स, ये आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ हैं। अभी मैंने जैसे 8 mm वाला डाला तो आसानी से अंदर जा रहा है। ये देखिए इस पे लिखा हुआ होगा 8 mm, तो 8.5 mm है, थोड़ा रस्टी है मगर ट्राई करते हैं। 8.5 mm डाला, ये भी बहुत आसानी से जा रहा है, तो 9 ट्राई करते हैं, यानी कि थोड़ा सा लूज़ हो रखा है, गैप एडजस्ट चाहिए था। अच्छा 9 अंदर नहीं जा रहा है, तो यानी कि ये 8.5 है विच इज़ गुड, मगर हम इसको वापस थोड़ा सा ऐसे टैप करके 8 पे ले आते हैं ताकि अगले 10,000 किलोमीटर तक हमें टेंशन ना हो। और फिर चेक करते हैं 8 mm वाला रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं अंदर डालने में थोड़ी, हाँ थोड़ी रेजिस्टेंस 8 mm वाला दिखा रहे हैं, यानी कि 8 mm पे हमारा प्लग अभी थोड़ा सा और, हाँ ये अब सही है। तो ये अब हमारा प्लग अंदर जाने के लिए वापस तैयार है। सेम ही यूज़ करूँगा जैसा पहले बोला, 25-30 हज़ार तो आराम से चलता है। अंदर जाने के लिए वही चीज़ है, सिंपली डालेंगे, साफ़ कर लिया था, जस्ट मेक श्योर कि इसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स ना रह जाएं, तो मैंने पेट्रोल से भी थोड़ा सा धो दिया था। और अब जितना ये हाथ से अंदर जाएगा इतना इसको पहले हम हाथ से अंदर स्क्रू कर लेंगे। चलिए मैं डालता हूँ। बस जितना हाथ से अंदर जा सकता था उतना चला गया है। अब थोड़ा सा इसको डाल के हाथ से ट्राई करते हैं कितना और अंदर, हाँ इससे और बेटर जा रहा है। एक पॉइंट पे जाके जब ये रुक जाएगा, और ये बस हो गया, ज़्यादा नहीं, जोर लगाने वाले इसमें बिल्कुल गेम नहीं है, कुछ नहीं करना। बस ये जो कैप आई थी इसकी, जिस इसमें ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाँ जी, तो बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अच्छे से अंदर स्क्रू हो रखी हो, निकालते निकालते लूज़ ना हो गई हो, वरना दिक्कत आ जाएगी। और इसको बस अंदर कर देना, जब आप अंदर कर रहे होंगे तो क्लिक की आवाज़ आएगी। ये बस अब इसको ऑन करके स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, एक इग्निशन भी स्टार्ट हो गई है, बस अब क्लैडिंग वापस लगानी है। स्पार्क प्लग हमारा क्लीन हो चुका है, अगले 10,000 किलोमीटर तक अब हमें इसको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 चली हुई, तो अगला वाला यानी कि 22 के आसपास इसको खोल के फिर करेंगे, एक बार फिर चेक कर लेते हैं और अंदर तो नहीं जा रहा, नहीं, एंड दैट इज़ इट। चलिए अब क्लैडिंग वापस लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आसान है, बस ये जो ये ब्रैकेट्स दिख रही होंगी आपको, एक ये दो, ये एक ये दो और ये तीन, ये इन ग्रूव्स में चली जाएंगी, ये एक ये दो और ये तीन, और ये वाला जो गैप होता है, ये जो गैप है ये इसके ये बीच में रहेगा, और ये वाला बाहर रहेगा, ये वाला अंदर रहेगा। पहले वायरिंग कनेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है इसको ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं, ये ऐसे खुल जाता है अंदर, वो प्लास्टिक का एक ग्रूव है, हल्का सा इसको ढीला कर लीजिएगा और इसके बीच में स्लाइड हो जाएगा, क्योंकि बाद में ऊपर आते हैं अपना, बाद में दिक्कत होगी। तो चलिए पहले वायरिंग इसकी सेट कर लेते हैं।
ग्रीन वाला वायर ग्रीन में जाएगा और ब्लैक वाला ब्लैक में, और उसके बाद में ये जो जिप टाई थी ताकि ये इधर उधर टकरा के कटे ना, इस जिप टाई में इससे इसको डाल के अंदर की तरफ से खींच देंगे बाहर। ये आपका सिक्योर हो गया और अब बस ये ब्रैकेट इसके बीच में रहेगी। याद रखिएगा जो नीचे रेडिएटर वाला माउंट है वो भी उसमें ही जाएगा। इसको थोड़ा लेके आते हैं, फ्रंट वाले सेट कर लिया है, ऐसे इसको एडजस्ट कर लिया है, सही प्लेसिंग लग रही है। नीचे देखते हैं इंडिकेटर वाला माउंट, सॉरी रेडिएटर वाला माउंट भी ठीक अपनी जगह पे है। अब सब सबसे पहले उठा के ये नीचे वाला माउंट सेट कर लिया और अब ये रेडिएटर वाला तो यहाँ से हाथ से भी हो जाएगा। बस इसको अंदर टैप कर दिया, ये सेट हो गया। देखिए पूरा सब कुछ सेट हो गया, बस सब कुछ नहीं करना है, सारे स्क्रूज वगैरह टाइट कर देंगे और ये जो क्लैडिंग थी ये भी बहुत शराफत से लगा ही लेते हैं पहले, बाकी तो आके स्क्रू टाइट ही करने का काम है वो तो हो ही जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा देख के नीचे अंदर, ये क्लैडिंग गई और इस क्लैडिंग में ध्यान रखिएगा ये वाला पोर्शन फेयरिंग के वाली क्लैडिंग के नीचे रहता है, तो थोड़ा सा उंगली से प्रेस करके एक हाथ से करना पड़ता है, थोड़ी रिकॉर्डिंग की वजह से दिक्कत हो रही है। बट हाँ ये देखिए यहाँ पे भी एक टैप होता है, ये भी इसमें बैठ जाएगा और बस पूरी फेयरिंग आपकी लग गई है अपनी जगह पे। अब कुछ नहीं करना, पेच वगैरह सारे टाइट हो जाएंगे, ये वाला टैप अंदर दबा देंगे जब फिट कर रहे होंगे। होपफुली ये वीडियो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अगर करना है तो। काम थोड़ा सा टीडियस है मगर कितना, शायद आधा घंटा लगा होगा, पहली बार करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। वही बस एक एक करके सारे पेच, मोटे वाला पेच इधर आएगा, इधर सारे रिवेट वगैरह लगा देंगे, वो सब तो सिंपल ही है। चलिए थैंक्स जी, बाय।